नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइट एजुकेशन में। सुबह के 10 बज चुके हैं। हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के रिगार्डिंग 100 क्वेश्चन का सिनारियो, जो कि हिंदी के टॉपिक से है, यानी कि पेपर 1 के टॉपिक से है। ये वीडियो आपको रोज सुबह में 10 बजे दिया जा रहा है। आज लेकिन लाइव क्लास नहीं हो पाएगा आपका, तो ये वीडियो आप लोग इसको देखें और हर क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज हिंदी का टॉपिक है, 100 क्वेश्चन का। पूरा वीडियो देखिएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जाएं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। पहला क्वेश्चन आ चुका है और कहा जा रहा है यहाँ पे विलोम शब्द बताना है, यानी कि विप्राथर शब्द बताना है आपको यहाँ पर। चलिए यहाँ पे चुनकर सही उत्तर का विकल्प बताना है चारों में से। तो पहला क्वेश्चन है उदंड। उदंड का विलोम क्या होगा दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल, जिनका उत्तर ए आ रहा है विनित, जी हाँ नोट कर सकते हैं दोस्तों, विनित यानी विनित होगा यहाँ पे, ठीक है। विनित यानी कि जी हाँ, बहुत ही सीधा साधा या सिंपल सा, ठीक है, कह सकते हैं। चलिए आज्ञाकारी कह सकते हैं। चलिए सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पर दो पे दोस्तों। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप लोग यहां पर। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। अर्वाचीन यानी कि नया होता है, ठीक है, और यहां पे प्राचीन हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर तीन पे चलते हैं। अनुग्रह का विलोम क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप लोग। अनुग्रह का विलोम होगा, बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है ए विग्रह, आंसर नोट कर लीजिएगा ए विग्रह। सवाल नंबर चार, अवतल का विलोम क्या होगा, अवतल का विलोम क्या होगा जल्दी से आंसर कर लीजिएगा आप लोग। जी हाँ, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, एक बार प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों के ग्रुप तक जा सके। और आज आपका लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे आंसर जरूर करेंगे। जी हाँ, फोर का आंसर बी होगा, अवतल का उल्टा उत्तल होता है, ये उत्ताल लिख दिया गया है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है, उत्तल बोलिएगा यहाँ पर, आंसर कीजिएगा बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर पांच पे चलते हैं। अभिजात्य, अभिजात्य का उल्टा क्या होगा, यानी कि विलोम क्या होगा जल्दी से आंसर कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। बिल्कुल, सामान्य नोट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं अभिजात का है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। सवाल नंबर छह पे चलते हैं। उल्लास का उल्टा क्या होगा, एक से दस तक हमें विलोम शब्द बताने हैं, स्कोर करना होगा यहाँ पे 200 क्वेश्चन का से पैटर्न होगा, 60 नंबर लेकर आना होगा। जी हाँ, 30% यानी कि 60 नंबर तो लेकर आना होगा पास होना है, तो ध्यान रखेंगे उल्लास का उल्टा क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल, विषाद इज द राइट आंसर, बी जिनका उत्तर आ रहा है सही उत्तर कर लेंगे यहाँ पे। एकाधिकार, एकाधिकार का विलोम क्या होगा, एकाधिकार का विलोम क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप लोग यहाँ पर। एकाधिकार का विलोम क्या होगा, एक से लेकर दस तक के प्रश्नों का विलोम शब्द बताना है हमें, ठीक है, तो एकाधिकार का विलोम होगा दोस्तों सर्वाधिकार, बी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर आठ पे चलते हैं। कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम क्या होगा, कनिष्ठ का विलोम क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप लोग यहाँ पर। बिल्कुल, आंसर कीजिएगा इट्स अ डी, वरिष्ठ इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ पर। सवाल नंबर नौ पे चलते हैं। अगम्य, अगम्य का यहाँ पे विलोम क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप यहाँ पे। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, अगम्य का विलोम होगा सुगम्य, बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं। अगर आपका उत्तर ए आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद बताएंगे जरूर कितना उत्तर आपका सही हुआ है। चलिए सवाल नंबर 10, यौवन, यौवन जो है दोस्तों इसका विलोम क्या होगा जल्दी से बता दीजिएगा। जी हाँ, सवाल नंबर 10 का उत्तर होगा जरा, नोट कर सकते हैं इट्स अ जरा, ठीक है, ये आंसर कीजिएगा, विलोम है इसका। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे। इन शब्दों में वर्तनी शुद्ध बताना है, मतलब कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है ये बताना है, कौन सा शुद्ध लिखा गया है ये बताना है अपने को, तो 11 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, उपर्युक्त होता है, बी इज द राइट आंसर, सही लिखा गया है इसको। चलिए सवाल नंबर 12 पे चलते हैं, आंसर करेंगे सवाल नंबर 12 का। औदार्य, औदार्य का की तरह व्यवहार शब्द में कौन सा, यहां पे देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं दिख रहा है, कौन सा शब्द ठीक है। चलिए चलिए अब दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन यहां पे, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे यहां पे जल्दी से आप लोग।
जी हाँ, औदार्य का की तरह व्यवहार, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में भी, औदार्य की तरह व्यवहार, जल्दी से आंसर करेंगे यहां पर, कौन सा शब्द ठीक है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहां पर 12 का क्या आंसर कर लीजिएगा, जी हाँ बी इज द राइट आंसर, जी हाँ बी इज द राइट आंसर, व्यवहार्य नोट कर सकते हैं, व्यवहार्य नोट कर सकते हैं, ठीक है ये ध्यान रखेंगे, जैसे औदार्य है उस तरह से यहाँ पर व्यवहार है, तो उसी की तरह शब्द यहाँ पर ठीक करेंगे तो व्यवहार्य होगा, ठीक है ये क्वेश्चन था। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध बोल दिया गया यहाँ पर, तो 13 का आंसर कीजिएगा जल्दी से आप लोग यहाँ पे, बिल्कुल सी व्यंग जो लिखा गया है ये उत्तर गलत है, यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी है, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 14, इनमें से शुद्ध वर्तनी, अब फिर शुद्ध बोल दिया गया है, शुद्ध वर्तनी 14 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, जी हाँ झल्लाया ये जो लिखा गया है ये शुद्ध लिखा गया है, जो शब्द लिखा गया है बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 15 पे चलते हैं, शुद्ध वर्तनी पहचानिए जल्दी से बताइए, बिल्कुल 15 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों ए, कवित्री जो लिखा गया है ये इस तरह से लिखा जाएगा, ए इज द राइट आंसर, शुद्ध है ये यहाँ पर। सवाल नंबर 16, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए जल्दी से आप लोग यहाँ फिर से एक बार, सवाल नंबर 16 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ सवाल नंबर 16 का आंसर करेंगे, कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पे जो श्रुषा लिखा गया है, श्रुषा ये बड़ी ऊ की माता है और ये स है, तो ये जो है शुद्ध वर्तनी है यहाँ पर, ए उत्तर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर से बताइए, 17 का उत्तर कीजिएगा, जी हाँ जिनका उत्तर डी आ रहा है यहाँ पर, ईर्ष्या इज द राइट आंसर, डी जिनका उत्तर आ रहा है नोट कर लीजिएगा, ईर्ष्या यहाँ पे जो लिखा गया है ये सही लिखा गया है। सवाल नंबर 18, शुद्ध शब्द बताना है, चलिए 18 का उत्तर कीजिएगा, बिल्कुल जल्दी से आंसर कीजिएगा, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकेंड ही दे रहा हूं और आज का टेस्ट बहुत ही स्पीड में होने वाला है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करें, 18 का उत्तर करेंगे दोस्तों जल्दी से आप लोग यहाँ पर, बिल्कुल दुर्निवार डी इज द राइट आंसर, जो लिखा गया है ये आपका सही शुद्ध शब्द लिखा गया है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 19 से 20 की तरफ, यह बोला जा रहा है प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें कि एक शब्द शुद्ध वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है और अशुद्ध वर्तनी का शब्द चुनिए इनमें से, फिर से वही बात है 2 क्वेश्चन है 19 और 20, ठीक है 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से एक शब्द जो है वर्तनी अशुद्ध है, इनमें से अशुद्ध वर्ड बताना है, 19 का उत्तर कर लेंगे जल्दी से आप लोग यहाँ पर, जी हाँ ये जो लिखा गया है अन्यथा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आंसर कर लीजिएगा ए उत्तर यहाँ पे अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी है। 20 का उत्तर बता दीजिए, जी देखिए अत्यंक्षरी जो है लिखा गया, अत्यंक्षरी ये अंताक्षरी होता है, अंताक्षरी होता है ये लिख लीजिएगा, ठीक है तो ये इस तरह से लिखाएगा यहाँ पे, ये गलत है इसलिए आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 21 से 38 की तरफ, वाक्यों के लिए एक शब्द बताना है, चलिए जो अवश्य होने वाला हो, 21 का आंसर करेंगे, जो अवश्य होने वाला है उसे कहेंगे अवश्यंभावी, नोट कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 22, वन वर्ड बताना है एक वाक्य के लिए, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, चलिए आंसर क्या कहेंगे यहाँ पर उनको, दिगंबर नोट कर सकते हैं दोस्तों, क्या कहेंगे उनको, दिगंबर याद रखेंगे, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उन्हें हम दिगंबर कहते हैं। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं, जिसका उल्लंघन कठिन हो, जिसका उल्लंघन कठिन हो उनको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे दुरत्य, नोट कर सकते हैं दू र अधत य और य दुरत्य, ठीक है याद रखेंगे। सवाल नंबर 24, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, ये रखी लिखा गया है यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा मिसप्रिंट है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, 24 का उत्तर कर लेंगे जल्दी से आप लोग यहाँ पर, बिल्कुल आंसर कीजिएगा धरोहर, ठीक है याद रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आधी रात, ये रात लिखा गया है, आधी रात का समय, 25 का आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से आप लोग यहाँ पर, बिल्कुल आधी रात का समय हम क्या कहेंगे इसको, निश्चित कहते हैं याद रखेंगे दोस्तों, निश्चित कहते हैं, जी हाँ क्या कहते हैं इसको,
निश्चित कहते हैं, डी इज द राइट आंसर। जिनका उत्तर आ रहा है सही सही टिक लगाते चलेंगे और कैलकुलेट करते चलेंगे कितना उत्तर सही कर रहे हैं। जो पथ कांटों से भरा हो, जो पथ कांटों से भरा हो, 26 का आंसर कर देंगे दोस्तों यहां पर जल्दी से आप लोग। बी कंटकर्णी नोट कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 27, दूध दही चीनी मधु घी के मिश्रण से बना प्रसाद क्या कहते हैं इसको? देखिए इसको तो हम लोग याद है आप लोगों को पंचामृत कहते हैं, याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। जी हाँ। सवाल नंबर 28, कमल से युक्त जलाशय, कमल से युक्त जलाशय को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, पद्माकर कहते हैं जलाशय को, उस जलाशय को जहां पे कमल से भरा हुआ रहता है, कमल के पुष्प होते हैं। बृहस्पति ग्रह को दोष दूर करने वाला पीले रंग का रत्न, चलिए 29 का आंसर, हिंदी है भाई, हिंदी में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। बृहस्पति ग्रह को के दोष को दूर करने के लिए पीले रंग का वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? 29 का आंसर कर लीजिएगा, ए पुखराज कहलाता है, आंसर ए कर लेंगे। सवाल नंबर 30, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल पाथ्य, सी इज द राइट आंसर, पाथ्य कहते हैं जो सामग्री आपको खाने के लिए दी जाती है रास्ते के लिए। सवाल नंबर 31, यम का तद्भव शब्द क्या होगा? चलिए अब सवाल बदल चुके हैं, तद्भव तत्सम से जुड़े हुए सवाल आएंगे, ग्रामेटिकल पार्ट से सवाल जरूर रहेंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। हिंदी का, हिंदी साहित्य में 50 नंबर के और ग्रामर से 50 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछली बार का पैटर्न तो यही कहता है और पिछले के पिछले बार भी लगभग यही थे। 60-40 का मैक्सिमम रेशियो रहेगा, जहां पे 60 ग्रामर से और 40 साहित्य से रहेंगे, लेकिन 50-50 का पिछली बार रहा है तो इस बार भी चांसेस वही लेकर चलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, 60 नंबर सोचना है कैसे लाना है, ठीक है, 60 मार्क कैसे लाना है इन पूरे 100 प्रश्नों में से, हर क्वेश्चन का नंबर का यहाँ पे कीजिएगा सही तो उत्तर तो 2 नंबर मिलेगा, लेकिन गलत कर दिए तो 0.2 नंबर काट लिए जाएंगे, तो ज्यादा तो नहीं है ये कटने का चांसेस यहाँ पे, फिर भी लेकिन ध्यान रखेंगे गलत आंसर नहीं कीजिएगा। यम का तद्भव क्या होगा? चलिए यम का तद्भव इनमें से तो कोई नहीं है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई नहीं है, डी उत्तर कर लेंगे। सवाल नंबर 32, जमाई का तत्सम क्या होगा? जमाई का तत्सम क्या होगा? 32 का आंसर करेंगे यहां पर, बिल्कुल सी जमात्री नोट कर सकते हैं, सी जमात्री इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 33, ज्वलन का तद्भव क्या है? ज्वलन का तद्भव क्या है दोस्तों? जी हाँ, डी जलना इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 34, दोस्तों उबटन का तत्सम कौन सा है? उबटन का तत्सम कौन सा है? 34 का आंसर करेंगे यहाँ पे, जी हाँ ऊर्ध्वतन नोट कर सकते हैं, ए इज द राइट आंसर, ऊर्ध्वतन नोट कर लेंगे यहाँ पे, सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, 35 का आंसर करेंगे जल्दी से आप लोग, बिल्कुल इट्स अ सी, मुख जो है एक तत्सम शब्द है, सी जो है आंसर कर लेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर 36, पलंग का तत्सम क्या होगा? 36 का आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ डी पयर्क नोट कर सकते हैं, डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 37, नीडर का तत्सम क्या होगा? तत्सम शब्द बताने हैं आपको यहाँ पर, बिल्कुल 37 का आंसर कर लेंगे दोस्तों, इट्स ए निर्धर नोट कर सकते हैं, इज द राइट आंसर, तत्सम क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 38, निर्गलन का तत्सम क्या होगा? निर्गलन का तत्सम क्या होगा? बी हाँ, निगलना इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 39 पे, दोस्तों निवाह का तत्सम शब्द क्या है? निवाह का तत्सम शब्द क्या है? 39 का आंसर कर लीजिएगा जल्दी से, निर्वाह है इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 40, दोस्तों परख का तत्सम शब्द क्या है? परख का तत्सम शब्द क्या है? चलिए सवाल बनाते रहिए और आंसर देते रहिए, यहाँ पर रुकना नहीं है आपको, हिंदी का पेपर के लिए समय तो मिलेगा लेकिन सोच समझ के वहां पे ये चीजें आपको याद दिलाई जा रही है, बार बार बताया जा रहा है, परख का तत्सम परीक्षा है। और सवाल नंबर 41 पे चलते हैं, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तुलनात्मक विशेषण की जो स्थिति होती है दोस्तों, अवस्थाएं जो होती हैं
वो होती हैं तीन प्रकार की। आंसर हम बी कर लेंगे, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में नहीं है? बिल्कुल, शीतलतर जो है ये उत्तम व्यवस्था में नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? विशेषण तो पढ़ लीजिएगा बिल्कुल आप लोग, ठीक है, विशेषण हो गया, समास हो गया, है ना, और सर्वनाम हो गया, ये सर्वनाम हो गया, फिर उसके बाद संधि विच्छेद हो गया, फिर उसके बाद तत्सम तद्भव हो गया, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर आप लोग के, दो दो नंबर के एक नंबर में। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? 43 का आंसर कर लेंगे दोस्तों, कमजोर, डी इज द राइट आंसर। गुणवाचक है, गुण के बारे में इसके बताया जा रहा है कि वो कमजोर है। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? 44 का आंसर कीजिएगा, सब लिखा गया है यहाँ पर, जी हाँ, अनिश्चित है संख्यावाचक, ये याद रखेंगे, अनिश्चित संख्या है यहाँ पे, सब मतलब कितने हैं पता नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए हम लोग ए करेंगे आंसर। सवाल नंबर 45, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? बिल्कुल, 45 का आंसर कर लेंगे दोस्तों, बी, ये विशेषता बता रहा है कि थोड़ा पानी है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 46, मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों क्या है, कौन सा विशेषण है? एग्जैक्टली, ये संख्या वाचक है, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 47, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा जो है कौन सा विशेषण है? 47 का आंसर कर लेंगे दोस्तों, बिल्कुल, ये विधि विशेषण है, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 48 पे, जहां आज तुम हो वहां कल मैं था, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? चलिए 48 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, जहां आज तुम हो वहां कल मैं था, ये संयोजक है, संयोग हो है ये, आंसर करेंगे बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 49, वह रात दिन पढ़ता रहता है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो आप इसको टेस्ट मानिए या क्यूज समझिए, आपको यहाँ पे उत्तर करके 60 नंबर तो किसी तरह लेकर आना है आज, ठीक है। वह रात दिन पढ़ता रहता है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बिल्कुल 49 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे सी, संयुक्त क्रिया विशेषण है, सी संयुक्त क्रिया विशेषण है, आंसर क्या कर लेंगे, सी। सवाल नंबर 50, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? बिल्कुल, ये परिणाम की बात हो रही है यहाँ पर, जी हाँ, तो परिणाम वाचक क्रिया विशेषण है, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 51, सैंधव, सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा, यानी कि सिमिलर वर्ड के बारे में बात की जा रही है, तो आंसर अब करेंगे, सैंधव हम कहते हैं घोड़े को दोस्तों, बी उत्तर कर लेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर 52, और यहाँ पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका विलोम शब्द खोजें हम, ये आपको मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, जो भी स्ट्रेटेजी चलेंगे छात्र उसका यहाँ पे क्लियर होगा। तो विभावरी जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, लेकिन दिन को हम लोग दिवस, दिवा या वासर भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। सवाल नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? नहीं बोल दिया गया है 53 में, अंधकार का होता है दोस्तों जो कि ये नहीं है, डी उत्तर कर लीजिएगा, तम अंधेरा और तिमिर का मतलब अंधकार होता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 54, निम्नलिखित शब्दों में कौन ओस का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं बोल दिया गया है, ओस का पर्यायवाची बताइए, इसका मतलब ये नहीं कि विलोम शब्द नहीं खोजना हमें, ठीक है, विलोम नहीं खोजना हमें, ओके, ध्यान रखेंगे। 54 का आंसर करेंगे डी, यहाँ पर भी रसाल जो है नहीं है, तुषार शेफाली शबनम जो है ये क्या है, तो ये पर्यायवाची शब्द है इसके। सवाल नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 55 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों सी, जी हाँ, आद्री कहते हैं ना पर्वत को, आद्री। सवाल नंबर 56, निम्न में से कुनब यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं, इनमें से कौन लिखा गया है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, इनमें से कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, तो 56 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए पद्मा गंगा को कहा जाता है, ठीक है, आंसर हम यहाँ पे डी कर लेंगे, बाकी कालिंदी, जमुना, अरकज,
जमुना भी जो लिखा गया है ना ये भी गलत है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। जमुना वैसे हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि जमुना नदी है, उसका पर्यायवाची ही होगा, लेकिन अगर ऐसे अगर देखा जाए जीके के हिसाब से तो जमुना जो है ये गंगा को ही कहा जाता है बांग्लादेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए खैर, लेकिन यहाँ पे जीके नहीं लगाना आप लोगों को, ध्यान लगाना है इसमें, ठीक है। जमुना कहते हैं हिंदी में हम लोग इसको। तो निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा पर्यायवाची शब्द नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बोल दिया गया है, इसलिए ध्यान देंगे आंसर क्या करना है। यहाँ देखिए डी कर लीजिएगा उत्तर, विहग जो है, विहग ये आपका क्या नहीं है। तो लगातार अभी डी उत्तर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अगला भी उत्तर आपका डी हो जाएगा। जी हाँ, 58, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं बोल दिया गया है फिर, तो नहीं है। जी हाँ, देखिए सरोहु का मतलब कमल होता है, उत्पल कमल होता है, कुलय कमल होता है, लेकिन अरुण नहीं होता है, ये यहाँ पे उत्तर कर लेंगे आप लोग। सवाल नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बोल दिया गया है दोस्तों, बिल्कुल 59 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, कासार, नोट कर सकते हैं, कासार जो है वो होता है। जी हाँ, ये नहीं होता इसका मतलब, बल्कि सरिता, अपगा, प्रवाहिनी, ये सभी नदियों को कहते हैं हम लोग। सवाल नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन पर्यायवाची शब्द युग्म नहीं है, सही सुमेलन नहीं है बोला गया है। चलिए तो 60 का आंसर कर लीजिएगा। देखिए सिंह को हम लोग केसरी कहते हैं, शेर को, हाथी को करीवर भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पर, और सूर्य को अंशुमाली कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। तो यमुना को मंदाकिनी कह दिया गया, मंदाकिनी तो गंगा को कहते हैं, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सही सुमेलन नहीं है। सवाल नंबर 61, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। आइए 61 का आंसर करेंगे, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब क्या होगा, सभी ओर से विपत्ति का आना, डी इज द राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 62, दिए गए रेखांकित शब्द का स्वतः उच्छावासित होते हैं, वे ही गीत का रूप धारण कर लेते हैं। चलिए स्वतः उच्छावासित होते हैं, वे ही गीत का रूप धारण कर लेते हैं, आंसर कीजिएगा 62 का, इट्स अ सी, उच्छावासित। जी हाँ, ये रेखांकित जो वर्ड है उच्छावासित, ये जो है यहाँ पर क्या है, तो रेखांकित शब्द का स्वतः उच्छावित करते हैं, वे ही गीत का रूप धारण करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो ये दिया गया जो शब्द है उसमें कुछ छाटना अपने को, शुद्ध वर्ड, शुद्ध शब्द छाटना था, ठीक है, पूरा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, यहाँ पे शुद्ध शब्द छाटना था, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छावासित होते हैं, वे ही गीत का रूप धारण करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वहां पर लाइन भी नहीं लिखा गया आप लोग, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्षमा चाहते हैं। सवाल नंबर 63, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए फिर से, काट का उल्लू, काट का उल्लू, चलिए आंसर कीजिएगा 63 का दोस्तों, यहाँ पर सी, मूर्ख कहते हैं उसको, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 64, शीशे में उतरना, जल्दी से बताइए, शीशे में उतरना, जी हाँ आंसर करेंगे दोस्तों, शीशे में उतारना होगा यहाँ पे, गलत है यहाँ पे क्वेश्चन, उतारना, शीशे में उतारना मतलब, बिल्कुल 64 का जिनका उत्तर आ रहा है ए, वश में कर लेना, आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 65, चलिए आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना, जल्दी से आंसर कर लीजिएगा 65 का आप लोग, बिल्कुल बहुत प्यारा होना, ठीक है, बहुत प्यारा होना, ठीक है, आंसर यहाँ पे हम बी कर लेंगे। सवाल नंबर 66, रास्ते पर चलाना, चलिए रास्ते पर चलना होगा यहाँ पर, ये भी मिसप्रिंट है यहाँ पे, देखिएगा, जी हाँ 66 का आंसर करेंगे, रास्ते पर चलना, ठीक है, तो आंसर करेंगे 66 का आप लोग, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, कुमार्ग का त्याग कर सुमार्ग पे चलना, ठीक है, मतलब गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पे आना। सवाल नंबर 67, कागज काला करना, कागज काला करना, 67 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों जल्दी से आप लोग, बी इज द राइट आंसर, बेकार की बातें लिखना, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत लड़के होते हैं जो पढ़ते समय क्या करेंगे, बस ये तस्वीर बनाते रहेंगे लड़कियों के, जी हाँ कुछ, और अपना तस्वीर बनाते रहेंगे कुछ, तो ये क्या होता है, ये कागज काला करना होता है, जी हाँ ये नहीं करना चाहिए, अभी एग्जाम के समय तो और नहीं करना चाहिए। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए, आसन डोलना, 68 लड़कियां भी करती हैं इसलिए उनको भी बोल रहा हूं मैं, लड़की नहीं, 68 का आंसर करेंगे जल्दी से आप लोग,
बिल्कुल 68 का आंसर कर लीजिएगा बी, जी हाँ, घबरा जाना, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 69, दिए गए रेखांकित शब्द को शुद्ध रूप में छांटना है, नाटक को दृष्ट काव्य माना जाता है। तो 69 में फिर से वही क्वेश्चन है, शुद्धिया छांटना है तो वर्ड में क्या है, तो नाटक को दृष्ट काव्य माना जाता है। 69 में बताइए क्या सही लिखा गया है यहाँ पर। बिल्कुल दृश्य जो है यही लिखा गया है, शुद्ध यहाँ पर शुद्ध वर्ड है, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 70, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए, अबनूस का कुंदा, अबनूस का कुंदा, अबनूस का कुंदा क्या होगा, 70 का उत्तर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे, इट्स अ बी इज द राइट आंसर, मन का अत्यधिक, जी हाँ, मन का अत्यधिक काला, ठीक है, आंसर कीजिएगा मन का अत्यधिक काला, ठीक है, नॉट काला, इट्स अ काला। सवाल नंबर 71, पिताजी ने देखा था, इस वाक्य क्रिया किस काल की है, 71 का उत्तर करेंगे यहाँ पे, जल्दी से आंसर आप लोग करेंगे दोस्तों, जी हाँ, इट्स अ बी, भूतकाल में है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 72, मुहावरे का अर्थ बताइए, साढ़े साथी लगना, ठीक है, साढ़े साथी लगाना नहीं होता है, ये साढ़े साथी लगना होता है, यहाँ भी मिसप्रिंट है, थोड़ा सा मिसप्रिंट ज्यादा हो रहा है, तो वर्डों को बदलाव हो सकता है यहाँ पे, इसलिए गलत उत्तर मत कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, सभी जगह सुधार करते रहिएगा। 72 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल 72 का आंसर करेंगे ए, विपत्ति का समय आना, ठीक है, साढ़े साथी लगना मतलब विपत्ति का समय आ जाना। सवाल नंबर 73, वाक्य में मुख्यतया कितने अंग होते हैं, 73 का आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे डी, जी हाँ, कितने होते हैं, दो होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्टली। सवाल नंबर 74, वह बहुत खूबसूरत नजारा था, रेखांकित पद क्या है इसमें, बहुत जो है रेखांकित किया गया है, आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पर 74 का जल्दी से आप लोग, बिल्कुल क्या है ये, तो प्रविशेषण है, क्या है ये, प्रविशेषण है, आंसर कर लेंगे दोस्तों 74 का यहाँ पर एग्जैक्टली, प्रविशेषण है, डी इज द राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 75 पे, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए, आंखें चार होना, चलिए ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। 75, आंखें चार होना यानी कि प्रेम होना किसी से। सवाल नंबर यहाँ पे 76, किस वाक्य में दो वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं, जल्दी से आंसर कर लेंगे 76 का यहाँ पे, जी हाँ, किस वाक्य में दो वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं, तो 76 का आंसर कर लेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जुड़े होते हैं ना। सवाल नंबर 77, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए, गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, 77 का मतलब होता है भूली हुई अप्रिय बातों को चर्चा करना, यानी कि बिना बात का पुरानी बात का फिर से बखेड़ा उठाना। सवाल नंबर 78, कान बहाना, ठीक है, कान बहाना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको, कान बहाना, कान बहाना का मतलब होता है, जी हाँ, चुगली करना, कान बहाना या फिर कान भरना भी कह सकते हैं, पर कान बहाना कहते हैं इसको, चुगली करना। 79, छाती पर मूंग, यहाँ पे क्या है, छाती पर मूंग दलना, ठीक है, मूंग दलना है ये, दलना, ठीक है, समझ गए, 79 का उत्तर करेंगे यहाँ पे जल्दी से आप लोग, एग्जैक्टली, तंग करना, ये इज द राइट आंसर, कहते ना वो छाती पर मूंग दल के रखा हुआ है, मतलब कि बार बार परेशान कर रहा है, तंग करना। सुंदरी विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी, 80 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे जल्दी से आप लोग, जी हाँ, 80 का उत्तर कर लीजिएगा जल्दी से आप लोग यहाँ पे, बी, सुंदरता बनेगा, सुंदर का, सुंदरी का क्या बनेगा, सुंदरता। चलिए लकीर का फकीर होना, 81 का आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से आप लोग यहाँ पे, बिल्कुल लकीर का फकीर होना मतलब कि पुराने रीति रिवाजों के में जकड़ा होना, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 82, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए यहाँ पर 82 का, मुट्ठी गरम करना मतलब घूस देना, ठीक है, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। और सवाल नंबर 83, लघु शब्द का उत्तरवस्था क्या होगा, लघु शब्द का जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 83 का आप लोग यहाँ पे, जी हाँ, उत्तरावस्था क्या होगा, बिल्कुल सी हो जाएगा, लघुत्तर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, आंसर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 84, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, 84 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, तुलसीदास, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 85, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों, 85 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, पद कहते हैं उसको, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 86,
यह लेखनी मेरी छोटी बहन सोनी की है। रेखांकित पद क्या है, छोटी क्या है ये? जी हाँ, गुणवाचक विशेषण है, ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 87, दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए। आचार्यों ने आनंद को अल्हाद की और कहीं निर्वित की संज्ञा दी है। 87 देखिएगा फिर से एक बार, यहाँ पे शुद्ध शब्द छांटना आपको, तो आचार्यों ने आनंद को अल्हाद की और कहीं निर्वित की संज्ञा दी है, तो यहाँ पे किया गया है जहाँ अल्हाद पे रेखांकित, तो इसका क्या है शुद्ध शब्द बताइए 87 का? बिल्कुल डी हो जाएगा, आह्लाद हो जाएगा, डी ऐसे लिख लाएगा, ठीक है, आधा ला नहीं पूरा ला होगा यहाँ पे। 88 पे चलते हैं, अरे वह यह कहानी तो काफी मनोरंजक है। रेखांकित पद यहाँ पर कहानी पर किया गया है, तो यह परिचय होगा। चलिए यह किसका, यह रेखांकित पद परिचय होगा किसका? 88 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल 88 का आंसर कीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्री एक वचन, अन्य पुरुष, कर्ता कारक और वाक्य का उद्देश्य है, ठीक है, आंसर हम बी कर लेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर 89 दोस्तों, महात्मा जी ने कहा था कि की पे रेखांकित किया गया है, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, रेखांकित शब्द का परिचय होगा। 89 का आंसर कर लेंगे यहाँ पर, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, समुच्चय बोधक संयोजक, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला, ठीक है, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। सवाल नंबर 90, काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंसर करेंगे दोस्तों 90 का यहाँ पर, काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इट्स अ सी इज द राइट आंसर, समय और मौत दोनों ही होता है, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 91, प्रातः भ्रमण के से शरीर निरोग रहता है, रेखांकित शब्द में शुद्ध कीजिए, निरोग का शुद्ध वर्ड बताना है। बिल्कुल निरोग्य होगा, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 92, यदि ए प्लस भिन्न स्वर हो तो ए का क्या होगा? 92 पे कर लीजिएगा, आय हो जाएगा, ठीक है, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पर, बी इज द राइट आंसर, ओके। सवाल नंबर चलते हैं 93 पर दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध रूप छाटना है, सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार है, तो श्रृंगार का बताना है आपको यहाँ पे शुद्ध रूप। 93 का आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे डी, जी हाँ श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, इज द राइट आंसर, डी हो जाएगा यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 94 पे, यहाँ पे शुद्ध रूप छांटना है, संक्रमण का, संक्रमण का, ठीक है, तो आंसर करेंगे दोस्तों 94 पे, जी हाँ संक्रमण ये सही लिखा गया है, इज द राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 95, वाक्य में कर्ता प्रायः क्या होता है? किसी वाक्य में कर्ता जो होता है वो क्या होता है? आंसर करेंगे 95 पे यहाँ पे, उद्देश्य होता है ये, आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 96 पे, संज्ञा उपवाक्य प्रायः कौन सा अवयव से जुड़ा रहता है? एग्जैक्टली आंसर सी कीजिएगा, की से जुड़ा होता है, सी इज द राइट आंसर। चलिए संज्ञा जो है की से जुड़ा होता है, यदि दर्शन प्लस एक है ना, दार्शनिक हो तो भूगोल प्लस एक क्या होगा? भौगोलिक होगा, एग्जैक्टली सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 98, दिए गए रेखांकित शब्द में शुद्ध रूप छांटना है, रेखांकित है आपको यहाँ पे बताइए जल्दी से, बिल्कुल कवित्री पे रेखांकित करता हूं मैं यहाँ पे, बताइए जल्दी से रेखांकित शब्द को छांटना है। 98 का आंसर कर लीजिएगा, अभी मैंने ऊपर बताया ये क्वेश्चन, कवित्री लिखते हैं जी हाँ, जो कि शुद्ध वर्ड है। सवाल नंबर 99 दोस्तों यहाँ बताइए कि प्राप्त युक्त पन्नी, नोट कर सकते हैं, प्रातः युक्त उत्पन्नति, ठीक है, इसका शुद्ध रूप बताना है। तेली राम अपना प्रताय युक्त पन्नी के कारण सबकी प्रशंसा के पात्र बने, तेनाली राम, तेनाली राम। आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पर 99 का सी, ये वर्ड जो है ये सही शुद्ध वर्ड है, यहाँ प्रत्युत्पन्नी होता है, नोट कर सकते हैं, आंसर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 100, चलिए विस्मयादिबोधक पदों के परिचय में लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है? तो भाव संकेत को लिखा जाता है, एग्जैक्टली। दोस्तों आज हमने देखे यहाँ पर 100 क्वेश्चन, जो कि आपके खंड क से जुड़ा हुआ सवाल था,
जी हाँ, खंड ग कहिए, खंड एक कहिए, यहाँ पे 100 क्वेश्चन में 60 किसके किसके स्कोर आए हैं ये हमें बताएंगे, कितना स्कोर किए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शाम को 8 बजे, लेकिन उससे पहले आपको एक जीके का ट्रिक वाला वीडियो भी मिलेगा, इसलिए आप लोग क्या करेंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम पे वो वीडियो शेयर करूंगा, नोटिफिकेशन जाएगा नहीं जाएगा उसका कोई ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, उसका लिंक मैंने चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में दे रखा है, तो आप लोग जाएंगे अबाउट पे वहां से मिल जाएगा, या तो फिर आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और वहां पे सर्च कीजिए YT एजुकेशन और ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।